नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसबीआई क्लर्क 2021 का जूनियर एसोसिएट्स का नोटिफिकेशंस आ चुका है, राइट। तो उसके रिगार्डिंग्स आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप में से जिसने फॉर्म फिल कर दिया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है, कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, राइट। सेकेंड थिंग इज कि एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए सर क्वांट की प्रिपरेशंस कैसे करें, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्री एग्जाम्स के लिए ओनली, फॉर मैं बात करूंगा, ओके। मेंस की भी अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, अदर सब्जेक्ट की भी चाहिए कि सर इंग्लिश की भी बता दीजिए, आपके रीजनिंग्स की भी बता दीजिए, तो वहाँ भी मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई कर दूंगा। देखिए, 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 35 आपके मार्क्स होते हैं, राइट। ये जो मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, इतनी श्योरिटी है आपके 30+ मार्क्स तो इसमें, अगर आपने स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो कर लिया, राइट। आपके पास जो रिमाइंडिंग डेज हैं उसमें अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली, तो इतनी श्योरिटी है 30+ मार्क्स तो आपके डेफिनेटली बन जाएंगे, ओके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन से रहता हो कि सर ये चीज मेरे को पूछनी है, कैसे होगा, तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, ओके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, इट मीन्स आपने पहली बार फॉर्म फिल किया है, पहली बार आप एग्जाम्स देंगे कोई बैंकिंग सेक्टर्स का, तो प्लीज इस वीडियो को आप एक बार जरूर वॉच करिएगा, देखिएगा कंप्लीट वीडियो, ओके। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, राइट, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो, अपडेट हो, प्रैक्टिस के लिए वीडियो हो, तुरंत आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे आपको, कुछ भी मैं आपकी हेल्प करवाऊँ, तो मोटिवेशंस के लिए एक लाइक आपका बनता है, राइट। प्लीज डू लाइक द वीडियो, एंड इम्पॉर्टेंट है, औरों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके, ओके। ओनली फॉर बात करेंगे क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड यानी कि मैथ की। देखिए, 35 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पर्टिकुलर एग्जाम्स में, और 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस एक नंबर्स का होगा, ओके। अब आपको टारगेट लेके चलना है 35 नंबर्स से, 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके चलना है, इतना टारगेट होना चाहिए कि हाँ मैं इतना अटेम्प्ट कर सकता हूँ, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। वह स्पीड आप कैसे मेंटेन कर सकोगे, ये चीजें अपन यहाँ पर बात करते हैं, कैसे टॉपिक बेस पर आपको पढ़ना चाहिए, राइट। तो प्लीज ध्यान से देखते रहिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अभी टाइम है। देखिए, एग्जाम्स के जो फॉर्म क्लोज होंगे 17th of May, यानी कि 17/5, 17th of May को आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा। उसके बाद आफ्टर जो नोटिफिकेशंस में डेट गिवन है, जून में आपका एग्जाम्स होगा, राइट। यानी कि करीबन करीबन कहें तो एक महीना तो आपके पास अभी तक है, राइट। तो एक महीना आपके पास अभी तक है, जून महीने में आपका एग्जाम्स होगा, जुलाई में मेंस का एग्जाम्स होगा। देखिए, इन दिनों में आपको करना क्या होता है अच्छे नंबर्स लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर के जो पेपर्स है ना, चाहे वह 2020 का पेपर्स हो, चाहे वह 2019 का पेपर्स हो, चाहे वह 2018 का पेपर्स हो, मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में मिल जाएगा, अदरवाइज मार्केट में पैसा लगाने से तो बेहतर है आपको मेरे चैनल्स पर भी मिल जाएगा, या अदर आप गूगल्स करेंगे तो वहां पर भी पेपर्स अवेलेबल है, राइट। ये एक तरह से कहते हैं ना कि सर हमको मिलेंगे कहाँ से पेपर, कुछ नहीं करना आपको, ओनली फॉर मैं भी आज या कल मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा लास्ट ईयर का पूरा कंप्लीट मैथ का 35 क्वेश्चंस का, राइट। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और पेपर्स को कैसे सॉल्व करें, फर्स्ट ये चीज का ध्यान रखिए, पेपर को सॉल्व करते समय पहले अगर आप फ्रेशर हैं तो पेपर्स को पहले देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं,
फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, टाइम कितना ही लगे, टाइम का अभी आपको मैटर नहीं है, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए, कि हाँ ये मेरे से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं ये क्वेश्चंस बना लेता हूँ, इसमें मेरे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, और जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें नोट कर लीजिए कि सर मेरे को डीआई में प्रॉब्लम आ रही, डीआई नोट कर लिया, सर मेरे से अर्थमेटिक का ये टॉपिक का क्वेश्चंस नहीं बनता, उस टॉपिक को नोट कर लिया। ये आपको कब करना है, आज से, बल्कि अभी से ये चीजें करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और मैं जो जो भी स्टूडेंट है, जो फ्रेशर नहीं है, एग्जाम्स दे चुके हैं, उनको भी यही कहूंगा, आप विथ टाइमर के साथ लास्ट ईयर के पेपर्स को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा कैसे मिलेगा, मेरे चैनल्स पे भी आपको मिल जाएगा, पेपर्स अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं कल आपको पीडीएफ भी इसका दे दूंगा, पेपर्स का। ओके, जाके एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा विथ टाइमर के साथ। और जो फ्रेशर है वह टॉपिक पीस पर नोट करते चलिए, 35 क्वेश्चंस मिलते हैं, एक एक क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, नहीं होता उसको नोट करिए, ऐसा नहीं उसी समय सॉल्व करने लग गए, नहीं होता कि हाँ मेरे डीआई नहीं हो, डीआई सॉल्व कर ले, अर्थमेटिक में सर मेरे से तो ये चीज नहीं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, उसको नोट कर लीजिए, एस सी आई एस आई नहीं हो रहा, उसको नोट कर लीजिए, इस बेसिस पे पढ़ेंगे, टॉपिक बेस पर पढ़ेंगे तो एग्जाम्स में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट थिंग पेपर्स को जरूर सॉल्व करिएगा। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड आता है आपकी जो सिंप्लीफिकेशंस और अप्रोक्सीमेशंस, सिंप्लीफिकेशंस और अप्रोक्सीमेशंस के जो क्वेश्चंस है, ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि आपके मार्क्स लाने लायक है, स्टूडेंट ओनली फॉर इसको ही अटेम्प्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशंस, यही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को मैथ में कवर करवाते हैं, सिलेक्शंस दिलवाते हैं, मैथ की जो कट ऑफ है वह क्लियर करवाते हैं, तो सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशंस के लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। बट उससे पहले दो से तीन चीजें मैं आपके से कहना चाहूंगा, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट फ्रेशर हैं, जो पहली बार एग्जाम्स देंगे, उनके लिए एक चीज कहना चाहूंगा, आप माय डियर स्टूडेंट ये तीन चीजें अच्छे से रट लीजिए, 1 to 20 तक आप क्यूब रट लीजिए, 1 to 30 तक आप टेबल्स रट लीजिए, टेबल्स यानी कि पहाड़े, और 1 to 50 तक, ओनली फॉर 50 तक आप स्क्वायर रट लीजिए, 1 to 50 तक स्क्वायर, 1 to 30 तक टेबल्स यानी कि पहाड़ी, 1 to 20 तक आप क्यूब, ये तीन चीजें हैं, इसको आप रट लीजिए, यानी रटना मतलब बार बार आप रिवाइज करोगे ना, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। रटना ऐसा नहीं है ऐसे 1 का क्यूब, ऐसे 1 का क्यूब, ऐसे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे नहीं, बार बार देखिए, पढ़ते रहिए, आपको बिल्कुल रटना हो, किसी को रटते हुए याद होता है तो रट भी लीजिए, मैं यही कहूंगा। ऐसे नहीं है कि मेरे को रटे बगैर याद नहीं होता, आपको जो करना है बट इनको याद कर लीजिए, मेरा कहने का मतलब यही है, इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी कहीं से भी पूछे 15 का क्यूब बताइए, 15 का क्यूब आना चाहिए डायरेक्ट, कभी भी पूछे कि आपकी 48 का स्क्वायर बताइए, तुरंत आना चाहिए, 39 का स्क्वायर कितना होता है, तुरंत आना चाहिए, तो ये चीजें कब याद आएगी, जब आप उसको पूरा याद कर लें, एक बार टाइम निकाल के बाकी सब भूल जाइए, आपको चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, इसको रट के अलग से रख दीजिए, इतना बेनिफिट मिलेगा मैथ में, मेरी गारंटी है, आप खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि हाँ सर हमको बहुत बेनिफिट मिला है। तो प्लीज इन तीन चीजों को अच्छे से रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जैसा करना है बट इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ के एग्जाम्स में, क्वांट में, मैथ में, चाहे आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करें, चाहे आप डीआई सॉल्व करें, चाहे अर्थमेटिक सॉल्व करें, चाहे नंबर सीरीज सॉल्व करें, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, सब में ये चीजें आपके काम आएगी, बहुत बेनिफिट मिलेगा, मान के चलिए, यकीन करिए मेरी बात का, आप एक बार करके देखिए ये चीज।
तो सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशंस आपके इन्हीं तीनों पर डिपेंड रहेगा, राइट। क्यूब, स्क्वायर एंड टेबल्स, बाकी बोर्ड मास हैं वो आप अच्छे से, आपको आना चाहिए कौन सी चीज़ पहले कैलकुलेट होगी कौन सी चीज़ बाद में कैलकुलेट होगी, इनके बारे में भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको मेरे चैनल्स पे करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, इतनी गारंटी है। एग्जाम्स में आपकी एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ोगे, राइट। बट उससे पहले पेपर्स को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर है डीआई, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है, लगभग 2 से 3 डीआई पूछता है एग्जामिनर प्रीलिम्स एग्जाम्स में। यहाँ पर मेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप इनको अच्छे से बिल्कुल बेसिक को कवर करते चलिए, मेंस आपका चुटकियों में सॉल्व होगा, इतनी गारंटी है, बिल्कुल बेसिक से, राइट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रिक बजाते हैं, ट्रिक होती है ना कि इसको रटनाफिकेशंस रटते हैं, करते हैं कि ट्रिक ट्रिक बता दीजिए, क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट होगा। मैं आपसे एक चीज अब बताने जा रहा हूँ, ट्रिक पे बिल्कुल क्वेश्चंस को मत करिए, राइट, बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि किसी क्वेश्चंस की एक ट्रिक होती है, दूसरे क्वेश्चंस की दूसरी ट्रिक होती है, बट एग्जाम्स के टाइम आप सारे की सारी ट्रिक हैं पूरी की पूरी खिचड़ी बन जाती है, कोई याद भी नहीं आती, राइट। ये आप प्रिलिम्स निकाल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्रिलिम्स नहीं निकलेगा, ट्रिक याद होगी तो प्रिलिम्स निकल जाएगा, बट मेंस आपका फंस जाएगा। मेंस को भी अपन को एक टारगेट लेके चलना है, उसकी भी स्ट्रैटेजी जरूर मैं बताऊंगा, बट उससे पहले प्रिलिम्स देख लीजिए, प्रिलिम्स आपको कैसे पढ़ना है ताकि मेंस में भी आपको बेनिफिट मिले, राइट। डीआई के लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैं भी करवाऊंगा, बट आपसे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको भी सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मेरे चैनल्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है लास्ट ईयर के, लास्ट ईयर इट मीन्स जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स होते हैं तो मैं अपलोड करता रहता हूँ, आप देख लीजिएगा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। और न्यू सीरीज भी स्टार्ट मैं जल्दी ही करूँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, तो प्लीज चैनल्स पे जरूर बने रहिएगा। फिर आती है नंबर सीरीज, इतने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस का एग्जाम्स हो या इससे पहले आईबीपीएस के एग्जाम्स हो, बहुत करवाए हैं, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने स्टूडेंट्स को दिए हैं, 50-50 क्वेश्चंस दिए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस उनमें से ही देखने को मिले हैं, तो नंबर सीरीज के भी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। बट मेन प्रायोरिटी आपकी यही होनी चाहिए, क्यूब, टेबल्स और स्क्वायर, ये तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई है इसको एक बार जरूर रट लीजिएगा, ओके। फिर आती है आपकी अर्थमैटिक, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स रहती है कि सर ये क्वेश्चंस नहीं होता, इन तीन में से स्टूडेंट्स कर लेते हैं इसके, राइट, ये हो जाता है ये हो जाता है, बट अर्थमैटिक एंड मोमेंट में नहीं होता और उनका सिलेक्शन भी नहीं होता, राइट। अर्थमैटिक में एक चीज पे फोकस करिए, पढ़ते रहिए, राइट, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। अर्थमेटिक क्या है, बिल्कुल लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझ में आ गई, एग्जामिनर कहाँ घुमा रहा है आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, राइट। तो अर्थमेटिक ही मेन पार्ट होता है, अर्थमेटिक ही आपका मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है, राइट। तो अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, राइट, बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही क्वेश्चंस आपको आएंगे, राइट। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कहते हैं कि ट्रिक पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे मिलेंगे, बट मेरी बात मानिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, अर्थमेटिक हो चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, प्री का हो मेंस का हो, अच्छे से सॉल्व होगा, ओके। ये तो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगर आप इसी टाइप की स्ट्रैटेजी रीजनिंग में चाहते हैं, आप इंग्लिश में चाहते हैं, कमेंट करिएगा, जरूर मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, राइट। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, पेपर्स आपको जरूर मिल जाएंगे मेरे चैनल्स पे।